अभी तक अपने बाइक पे मॉडिफिकेशन करवा चुके इस बंदे के कारण हमको आधा घंटा ज्यादा लेट हो गया। क्या सनसेट है भाई? मतलब क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन अभी तक करवा चुके हैं। करते हो ए गाइस, टोटल मेरा खर्चा इस बाइक पे आया। अभी देखो यहाँ पे मतलब आज 29th of March है, तो आज और कल मेरा कॉलेज बंद है और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे वो भी बंद ही रहेगा शायद से। तो आज ना अभी हम सुबह से बस उठे हैं, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं, पहले तो अभी ऑलमोस्ट 4:30 बज चुका है, पहले जाएंगे राज को पिक करेंगे फिर वहां से निकलेंगे, क्योंकि आज का वीडियो इस पे रहेगा कि मतलब कितना मतलब हम अभी तक अपने बाइक पे मॉडिफिकेशन करवा चुके हैं, तो उसी पे वीडियो रहेगा, उसी का प्राइसिंग वराइजिंग सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसी के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जाते हैं उसको पिक करते हैं राज को, उसके बाद फिर निकलते हैं और अच्छे से कोई से लोकेशन पे चले जाएंगे, फिर वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे तो थोड़ा सही लगेगा। तो लेट्स गो। इस बंदे के कारण हमको आधा घंटा ज़्यादा लेट हो गया है, नहा रहा है तो खा रहा है, मोबाइल लेके आ रहा है, इतना टाइम लगवाया है फालतू का। बैठो चल। चलो देख लेना अगले ब्लॉग में मिल जाएगा सब। तो भाई तुम बर्बाद हो तो क्या वासु, अगला ब्लॉग तुम्हारे नाम, बाय बाय। तो अभी जा रहे हैं हम लोग हाईवे की तरफ, पहले जाएंगे वहीं से कि वही हमको सही, अभी हम मतलब फील होता है कि वही हमको मेरे लिए सही लोकेशन है, तो इस कारण से वहीं जा रहे हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर हम शूट करेंगे। जो कितना मतलब कौन सा टाइप का हम अपना बाइक में खर्चा है मेरे मॉडिफिकेशन में, जो भी हम करवाएं नॉर्मल सही मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा बड़ा मेरा मॉडिफिकेशन करवाया नहीं है, बट फिर भी दिखा सकते हैं, तो उसी के लिए हम अभी जा रहे हैं, उसी पर वीडियो बनेगा पूरा टोटल आज का। तो वही हाईवे पर ही जाएंगे, तो इधर से ही दिल्ली मोड़ होके डायरेक्टली तो चलते हैं अभी। और रामनवमी का बोल तो रहा है कल लेकिन आज शूट करेंगे शाम में दोनों आदमी मिलके, चलना हम सिनेमैटिक निकालेंगे तुम ब्लॉग कंटेंट ले लेना, लेकिन बोलता कुछ है करता कुछ है, निकलेगा तब देखेंगे, फिर तब कल का कल पता चलेगा भाई। सनसेट अभी टाइम है, आधा घंटा टाइम है अभी, प्रॉपर सनसेट होने में, बाद बाकी लग रहा है एकदम। 3, 2, 1 कर लिए, कर दिए ना, दिमाग लगा दिए ना रिकॉर्डिंग पे, 3, 2, 1 बूम बूम। हेलो दोस्त, यूजुअल गुमती बंद है। हाँ भाई ये देख लो, ऐसे ही रोड क्रॉस करते रहिए, गिरे। लेट्स गो, आ गया ऑलमोस्ट दिल्ली मोड़ के पास, गया एक बंदा आगे, अभी तो गुल्लड़ उसकी बस अभी क्रॉस किए हैं, अब आएगा, किधर जाना है वो पूछ लेते। किधर आएगा भाई, इधर चलोगे कि इधर चलोगे? जहाँ बोलो इधर ही चलते क्या, यहाँ से करीब में निकल जाएंगे तुरंत, यही से लौट गए हम लोग। हाँ हाँ वही कर रहा है, ठीक है ठीक है चलो, पहले एक सिनेमैटिक लेगा राज, उसके बाद फिर दिखाते हैं मतलब प्रॉपर हम मतलब क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन अभी तक करवा चुके हैं, ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा, तब तक दे देते हैं फोन, उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद फिर बात आगे दिखाते हैं आप लोग। We'll be right back.
कैसे पकड़ते हो हाँ तो हाँ रे हो गया आराम से। अभी तो जितना सिनेमैटिक शॉट निकालना था राज तो निकाल दिया, अब इसको माउंट करते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं पूरा सारा शॉट हम निकाल दिए हैं, क्या ही बोले जा कैमरे फूटा हुआ है भाई। अब हम हेलमेट लगाते हैं फिर बताते हैं हम कितना मॉडिफिकेशन बाइक में करवा चुके हैं अभी तक। सर हटिए चाहे बैठे रहिए जो करना है। सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन हम करवाए हैं ये एग्जॉस्ट, ये हम पटना से लिए थे, गए हुए थे, उसका भी ब्लॉग डाले हुए हैं। ये पूरा प्रॉपर ये लिए थे, एक बेंड पाइप आता है इसका वो भी लिए थे साथ में, तो इसका हमको 2700 पड़ा था और फिर बेंड पाइप का 200 रुपया पड़ा था। पटना में मोटर माइल्स करके हम वहीं से लिए थे। उसके बाद फिर ये लगवाए थे इंडिकेटर, तो ये मतलब मेरे मतलब बाइक में पहले से नहीं था ये, मतलब LED वाला नहीं था, तो उस कारण से LED वाला लगवाए, हम ऑनलाइन मंगवाए थे अमेजोन से। तो ये हमको 380 रुपये का पड़ा ये चारों, और फिर फ्लैशर हम दरभंगा से खुद से मतलब दरभंगा से ही लिए थे, तो फ्लैशर और ये स्विच ये दोनों मिला के हमको 350 रुपये पड़ा था। उसके बाद फिर लगाने का ये जो खोल के पूरा लगाया ना वो मतलब जो मैकेनिक था वो 200 रुपये लिया हमको टोटल। और उसके बाद फिर हम मॉडिफिकेशन में मतलब ये भी करवाएं, इसको हम पूरा स्मोक ब्लैक करवाए थे, तो ये नॉर्मल है, इसका प्राइसिंग इतना मैटर नहीं करता। उसका फिर इसको हम पेंट करवाएं, ये सिल्वर पेंट में था पहले, इसको हम ब्लैक करवाएं, ये भी पहले सिल्वर पेंट में था, इसको भी हम ब्लैक करवाएं, ये भी इसका भी कलर पूरा उड़ चुका था, इसको भी हम पूरा प्रॉपर ब्लैक करवाएं। और ये मेरा पेंट का जो खर्चा लगा था इसमें टोटल अभी तक हमको 1000 रुपये लग चुका है टोटल। उसके बाद फिर आता है स्टिकर का बारी, स्टिकर हम दो स्टिकर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे है ये वाला ना पोर्शन आता रहता है जब हम शूट करते ना, तो ये वाला आता है, इस कारण से यहाँ पे पेट्रोल हेड लिखवा लिए थे, ये वाला भी था एक, तो ये दोनों मतलब ऑलमोस्ट 120 रुपये के करीब हुआ था और ये वाला 100 रुपये के करीब, तो इतना प्रॉपर मॉडिफिकेशन हुआ। और ये लिवर गार्ड भी लगवाए थे ये इधर, और ये हमको पड़ा था 500 रुपये का और इसको लगाने का चार्ज 100 रुपये लगा था। ये जो था ये वाला, इसमें भी लाइट लगवाए, इसमें दिख रहा होगा ये ब्लू दिख रहा है ना, ये बोल रहा था कि वाइट है लाइट इसका, ठीक है रात में थोड़ा आएगा वाइट इसका, बट लेकिन वाइट नहीं आता है, हल्का हल्का आप बोलो वाइट आता है, बाद बाकी पूरा येलोइश। तो मतलब पोर्शन आप बोलो ना कंपेयर करो तो 70 या 80% रहता है येलो में और बाद बाकी रहता है उसका 20% वाइट बोलो तो, ज़्यादा येलो ही लगता रहता है, कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं। और इस समय हम एग्जॉस्ट में एक बार और किए थे क्या, ये मेरा एग्जॉस्ट जो था ना वो DB कलर वाला था, तो इसमें अभी DB कलर नहीं है, और DB कलर लगा के साउंड थोड़ा ज़्यादा मतलब कम आता है साउंड, DB कलर लगने के बाद साउंड कम हो जाता है, बट लेकिन अभी DB कलर नहीं है तो साउंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही अभी का मॉडिफिकेशन है, और एक बार और बस एग्जॉस्ट का नोट सुना देते हैं कि कैसा आ रहा है बिना DB कलर का, ठीक है। तो ये रहा, ऐसा कुछ साउंड है, पटाखे भी फूटते हैं इसमें। तो बस यही है, अभी यहाँ पे हम कर लिए सारा कुछ शूट, वहाँ पे सनसेट एक नंबर हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा जूम किया जाए, ये देख ले भाई सनसेट। चलो अब फिर यहाँ सब निकलते हैं। बस मेरा खर्चा इस बाइक पे आया 6550 रुपया, इसके बाद भाई फ्यूल जितना लगा है वो तो लगता ही है, सबका लगता है, तो बाद बाकी मॉडिफिकेशन में हमको 6550 मतलब 6550 रुपीज़, जिनको नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं क्या दोस्त तुमको तो नहीं पता तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा निकलते हैं, अब थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसका फिर घर से निकलते हैं। अभी देखो यहाँ पे मतलब आकाश में क्या अनहोनी, देख अनहोनी बोलते हैं, ओम का छवि पूरा बन चुका है एकदम, दिखने में तो सही में ओम ही लग रहा है, इसीलिए थोड़ा कैप्चर कर लिए हैं, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना आपकी ओम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप थोड़े देर। वाह ओम कॉन्सेप्ट, हाँ भाई अच्छा लग रहा है देखने में, प्रॉपर ओम लग रहा है। जय श्री राम, कल है रामनवमी, जय श्री राम, अभी से ही चल रहा पूरा दरभंगा में नारा है। चलिए अब चलते हैं, आ गए कुल्लड़ चुस्की पे, चलते हैं बंदर। हाँ तो जो चाय पी ली है अभी थोड़ी देर पहले, कुल्लड़ पे ही चाय पी है, उसके बाद लेकिन आज का शॉट लेकिन मस्त आया है, निकाला एक नंबर सिनेमैटिक वाला। और इनफैक्ट ये भी ना बन मतलब एक हम ये ओवरव्यू देना चाहते थे ना कि मतलब मेरे बाइक में अभी तक कितना खर्चा आ चुका है, क्योंकि अगर इस टाइप का अगर आपके पास बाइक है जो नॉर्मल एक्सेसरीज होता है वो आप लगा लोगे तो बाइक का लुक इन्हांस हो जाता है, पहले तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है, एग्जॉस्ट तो मेन पार्ट हमको लगता है क्योंकि फील आने लगता है चलाने में, एकदम अच्छा फील होता है और कैप्चर भी मस्त करता है साउंड ये जो माइक लगा है उसमें,
तो इसीलिए अच्छा लगता है, वही चीज़ करना पड़ता है हमें। ये नॉर्मल खर्चा है, इतना कर ही लेते हैं, मतलब नॉर्मल हम धीरे धीरे किए हैं, इसलिए सोचे अभी। इनफैक्ट इसमें ज़्यादा कुछ हमको करवाना नहीं, टेल टाइड हम इसीलिए नहीं अभी तक लगवाएं क्योंकि बारिश का मौसम आ गया था थोड़े दिन पहले। और इसका क्या है ना कि अगर हम टेल टाइड लगवाएंगे भी ना तो इसमें पूरा मेरा कट करवाना पड़ेगा पीछे का वो मड गार्ड, तो अगर कट करवा लिए तो वो परमानेंट ही हो जाएगा कट। अगर फिर चेंज करवाना है तो पूरा होल वो मोड मड गार्ड के साथ जो सारा कुछ आता है वो लगवाना पड़ेगा पूरा, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा। तो इस कारण से अभी भी लुक अच्छा ही निकल के आता है इसका भी मड गार्ड के साथ ही, तो इसलिए हमको कुछ इतना बड़ा इशू लगता नहीं है कि चेंज करवाने का ज़रूरत। और इनफैक्ट हम देखे भी हैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन में देखे हुए थे, मतलब यूट्यूब पे ही, मतलब टेल टाइडी में भी बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है एकदम देखने में बाइक, बट फिर भी हम अभी तक नहीं करवाए। वक्त आएगा तो वो भी करवा लेंगे, लेकिन अभी हमको नहीं ज़रूरत पड़ता क्योंकि बारिश हुआ तो फिर कचरा हो जाएगा, जो भी पीछे बैठेगा तो उसका तो पूरा एकदम टी शर्ट शर्ट जो भी रहे पूरा एकदम गंदा हो जाएगा, घिना जाएगा, इसी कारण से अभी तक नहीं करवाए। तो अभी तो जाएंगे तो राज को घर ही पे छोड़ देंगे डायरेक्टली, घर पे छोड़ देंगे या इधर उधर कहीं उसका फ्रेंड आ गया तो ठीक, नहीं तो घर पे छोड़ के हम फिर वापस से घर ही जाएंगे डायरेक्टली। जैसे कभी कभी कोई कंटेंट के लिए ना आपको मतलब सोचना पड़ता है कि क्या करना है नहीं करना है, जैसे आज हम पूरे दिन नहीं निकले लेकिन हम बस मतलब दोपहर होते होते तक थॉट आ गया था हमको कि किस चीज़ पर वीडियो बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये सोच लिए थे कि हमको पहले से ही मतलब ये आ रहा था कि इतना जो करवाएं मतलब मॉडिफिकेशन में जितना कुछ भी करवाएं उसका हम शूट करते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वीडियो अभी हम बन ही रहा था, ऑलमोस्ट रेगुलर बन ही रहा था, अच्छे से बन रहा था। तो आज मतलब प्लान जो अगर चेंज हो जाता है, जैसे हम कोलकाता जाने वाले थे, कोलकाता जाते तो फिर हम बनाते हैं, आज उधर से मेरा ट्रेन था तो दो दिन का मेरा कॉन्टेंट उधर से आ ही जाता, दो तीन दिन जितना दिन भी जाते, 27 को जाते शाम में, 29 को वापस था। बट लेकिन हम गए नहीं तो फिर मेरा पूरा प्लान मतलब कि दिमाग में जो रहता वो निकल गया, ये चीज़ बनाना था बट लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, तो उस कारण से मेरा मतलब थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाता ना। तो उस कारण से हम पहले से सोचे हुए थे कि इस टाइप का वीडियो बनाना है, तो कभी फ्री टाइम में जिस दिन नहीं है कंटेंट तो उस दिन बना लेंगे। तो आज शाम का समय एकदम मस्त समय रहता है, वो तो आप लोग अभी तक देख ही लेंगे क्या। हाँ, है तो वही तो सोचे हुए तो इस कारण से आज शाम में निकले पूरा प्री प्लान्ड होके। तो राज को कॉल किए, उसके बाद फिर निकलेंगे क्योंकि अगर राज नहीं रहता तो हम अकेले जाना चाहते, क्योंकि आज ये भी पटना निकलने वाला था बट लेकिन ये गया नहीं पटना क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया इसका भी। तो अभी तो डिसाइड यही कर रहा है कि कल का रामनवमी का बनाते हैं, तो अगर कर दिया सारा कुछ तुमको दोस्त बना देना एक नंबर, ठीक है ना, अच्छे से बना देना पूरा, ठीक है। अब हम भी निकलते हैं घाट डायरेक्टली, बस अब कहीं हमको नहीं जाना, देखो मस्त आ रहा है नेक्रो पब्लिक, चलो बढ़िया है, चलो हम भी निकलते हैं, ठीक है ब्रो, ठीक है दोस्त, बाय 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 बाय। यो यहाँ पे हो रहा है रामनवमी का प्रैक्टिस, देख रहे बच्चे लोग यही कर रहे हैं प्रैक्टिस, एक नंबर गाना भी बज रहा है, सारा कुछ हो रहा है, वही पे प्रैक्टिस करके। हाँ तो ऐसे ही मतलब इधर मंदिर के पास प्रैक्टिस करता है सब, मतलब कि कल का तैयारी हो रहा है रामनवमी का। तो और शाम में गए थे, जितना भी वीडियो बनाना था वही बना लिए और उसके बाद फिर डायरेक्टली आएगा। आज तो शाम में ही निकले थे, बाद बाकी सुबह तो निकले नहीं कहीं भी। तो आज के वीडियो में इतने तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।